Hello everyone, welcome to Green Kitchen Recipes. आज के वीडियो में हम बनाएंगे फ्रोजन योगर्ट आइसक्रीम और वो भी सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट्स यूज करते हुए। ये तीन इंग्रेडिएंट्स भी घर पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। फ्रोजन योगर्ट आइसक्रीम बनाने के लिए हमने एक बोल में ले लिया है एक कप बीटन कर्ड, अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप कंडेंस्ड मिल्क, और एक टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे सो दैट दही, कंडेंस्ड मिल्क और वनीला एसेंस मिक्स हो जाएं आपस में। तीनों इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे एक कंटेनर में। और डीप फ्रीजर में रख देंगे 2 घंटे के लिए। योगर्ट आइसक्रीम को 2 घंटे फ्रीज करने के बाद हमने इसे बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे विस्क करके फिर से फ्रीज करने के लिए रख देंगे। 2 घंटे बाद इसे निकाल कर विस्क करने का पर्पस ये है कि इससे इसमें आइस क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं होंगे। और विस्क करने के बाद इसे फिर से 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। योगर्ट आइसक्रीम को 5 से 6 घंटे फ्रीज करने के बाद इसे हमने फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है। ये प्रॉपरली सेट हो गई है। इस तरह से हमने योगर्ट आइसक्रीम को स्कूप कर लिया है। अब हम इसे गार्निश करेंगे रोज सिरप यूज करते हुए। आप चाहें तो चॉकलेट सिरप भी यूज कर सकते हैं। ऊपर से हम स्प्रिंकल कर रहे हैं असॉर्टेड नट्स। ये हमारी फ्रोजन योगर्ट आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप भी इसे ट्राई करके फीडबैक में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही आगे आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।